वेलकम एवरीवन, आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट्स ऑफ बॉटनी में। आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हम लोग पिछली क्लास में ये देखे कि प्लांट जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, ठीक है। तो वाटर जो है सॉइल से प्लांट में आ गया था, प्लांट के वेस्कुलर सप्लाई में आ गया था। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे वही प्लांट का जो वाटर है वो अब बाकी जगहों में पत्तियों तक, टॉप तक कैसे पहुँचेगा, तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, या यही कहलाता है असेंट ऑफ सैप, ठीक है। असेंट ऑफ सैप कहने का मतलब है, असेंट का अर्थ है असेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग डायरेक्शन को बोलते हैं असेंट, एंड सैप का अर्थ है सॉल्यूशन। वाटर में, सॉइल में सिर्फ वाटर नहीं आता, प्लांट में जो वाटर है उसके साथ मिनरल्स, साल्ट और कुछ आयंस भी आते हैं, ठीक है। इन सभी को एक साथ हम लोग प्लस वाटर, ठीक है, इन सबको एक साथ क्या कहते हैं, सैप कहते हैं। तो इन्हीं का जो है प्लांट में पत्तियों तक और जितने भी भाग हैं हर सेल तक उसका पहुंचना, इसी सैप का पहुंचना क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सैप कहलाता है, ठीक है। या सिंपल इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन हमने पढ़ा इसमें बहुत डल्यूशन होता है, इसलिए ये बहुत तनु होता है, इसलिए हम लोग इसको सिंपली कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या असेंट ऑफ सैप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर आज का टॉपिक। ये जो बड़े प्लांट हैं, ठीक है, इनमें जो वाटर का मूवमेंट है वो कैसे होता है, ठीक है, और व्हाट आर द पावर आर एनर्जी दैट वी नीडेड टू वाटर सप्लाई या वाटर कंडक्शन, ठीक है। एंड वाटर का क्या हो गया, अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो चुका है, ठीक है, अब हम इसको सभी जगह तक पहुंचाना है। तो इसके मत में दो वैज्ञानिक थे, स्टाइल्स एंड कॉकिंग, इन्होंने 1969 में ये बताया कि वाटर का मूव जो है अपवार्ड डायरेक्शन में होता है, यानी जड़ से ऊपर तने की तरफ होता है, ठीक है, यानी भूमि से पानी एब्जॉर्ब होता है और ऊपर की ओर जाता है, ये इन्होंने बताया। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने बताया कि मूल द्वारा जो जड़ द्वारा पत्तियों तक जो जाइलम जो वेस्कुलर सप्लाई है वो फैला रहता है, ठीक है, और इसके द्वारा ही जो पानी ऊपर जाता है, इस क्रिया को कहते हैं हम लोग जल का स्थानांतरण या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सबसे पहले किन्होंने बताया, स्टाइल एंड कॉकिंग ने इस तथ्य को बताया इन्होंने, और इसको डिफाइन भी किया। तो डेफिनेशन कैसा है इसका, ये देखते हैं। तो डेफिनेशन है, द मैकेनिज्म दैट वाटर एब्जॉर्ब बाई रूट मूव्स अपोजिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू अपवर्ड डायरेक्शन इन स्टेम इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप। तो इसमें सबसे जरूरी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स कहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये जो वाटर है ये ज़मीन से ऊपर की ओर तभी जा पाएगा जब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य होगा, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव फोर्स है जो कि वाटर को टॉप तक पहुँचने में मदद करता है, ठीक है। तो इसमें ग्रेविटेशनल के अपोजिट चढ़ता है पानी, ठीक। अब देखते हैं कि क्या होता है, वाटर तो चल रहा है, ठीक है, पर चढ़ेगा किस में से और वो उसका जगह क्या है, ठीक है, यानी मेन जो पॉइंट है वो ये है कि वाटर प्लांट में कहाँ से चढ़ता है, ठीक है। तो इसके लिए कई सारे प्रयोग किए गए कि वो कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू वाटर जो है ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो सबसे पहला प्रयोग आता है ईओसीन सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, प्लांट के एक डंठल लेते हैं, उसको काट के क्या करते हैं, एक बीकर में पानी भरते हैं और इसमें ईओसीन डाल देते हैं। ईओसीन एक डाई है जो कि रेड कलर का होता है, ठीक है, और इसको उस बीकर के जो प्लांट का ट्विग लिए हैं उसको उस बीकर में फिक्स कर देते हैं। बीकर में फिक्स करने के बाद क्या करते हैं, थोड़ी देर छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या होता है, कुछ देर बाद हम लोग उसको देखते हैं तो प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो ईओसीन के लक्षण दिखाने लगती है, यानी वो प्लांट की पत्तियाँ जो होती है वो रेड होने लगती है, ठीक है। और अगर इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंटेड प्लांट ट्विग है इसका स्टेम जो है सेक्शनिंग करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, तो उनके वेस्कुलर बंडल में भी जो जाइलम फ्लोएम दिखाई देते हैं वो भी क्या होते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं। यानी इससे सिद्ध ये होता है कि जो वेस्कुलर सप्लाई है, ठीक है, जो वेस्कुलर बंडल है इसी से ही वाटर का मूवमेंट होता है, ये इस प्रयोग से सिद्ध होता है। एक और प्रयोग आता है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट को मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने 1971 में किया था, ठीक है। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, दो प्लांट के ट्विग लेते हैं और दो बीकर लेते हैं, ठीक है, दोनों में
क्या करते हैं, पानी भर देते हैं और इस दोनों ट्वीक को अलग अलग बीकर में स्ट्रेन कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रेन करने के बाद क्या होता है, जो पहला बीकर है, ठीक है, जो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है, तो जो ए वाला बीकर है इसमें प्लांट की जो ट्विग है उसकी छाल को निकाल दिया जाता है, ठीक है, बार्क को रिमूव कर दिया जाता है, और उसी प्रकार जो बी वाले प्लांट्स है उसमें बार्क को रिमूव ना करके उसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल है, जो जाइलम वाला पोर्शन है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, एंड देन इन दोनों को छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद कुछ दिनों बाद ऑब्जर्व किया जाता है कि इन दोनों में क्या हो रहा है। तो ए वाला जो वाटर है इसमें जो है प्लांट में वाटर सप्लाई होते रहता है, जिससे इसकी पत्तियाँ क्या होती है, तनी हुई रहती है और स्वस्थ होता है प्लांट। लेकिन सेकेंड वाले में क्या देखते हैं कि इसकी पत्तियाँ मुरझाई हुई है, ठीक है, तो इससे सिद्ध ये होता है कि जो हमारा जाइलम वाला पार्ट जो होता है, जो डंठल कहते हैं जिसको मेनली, तो ये वाला पार्ट जो है वाटर कंडक्शन का कार्य करता है। ये सिद्ध होता है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो ये हमको बात पता चल गया कि कौन सा अंग हमारा जो प्लांट का है वो क्या करता है, रिंगिंग मतलब सॉरी वाटर जो है कंडक्ट करने का काम करता है, तो ये करता है जाइलम, ठीक है। यहाँ तक हमने जान लिया कि वाटर का कंडक्शन कौन करता है, जाइलम करता है, ठीक है। जाइलम में भी दो प्रकार की एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है ट्रैकीड, ट्रैकीड्स, और एक होता है वेसल, ठीक है, वेसल्स, ठीक। ट्रैकीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रैकीड्स फाउंड इन लोअर किंगडम, ठीक है, एंड मतलब आल सभी प्रकार के पौधों में ट्रैकीड्स होते हैं, लेकिन वेसल जो है स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के कुछ मेंबर जैसे कि नीटेल्स में, ठीक है, नीटेल्स, ठीक, और कुछ फर्न्स, एडवांस फर्न्स में पाया जाता है वेसल, ठीक। और सबसे ज़्यादा केस में होता है एंजियोस्पर्म का, मेन कैरेक्टर है वेसल का होना, ठीक है। तो ये होता है ट्रैकीड और वेसल क्या होते हैं, दोनों ही डेथ सेल्स होते हैं, ठीक है, यानी मृत कोशिकाएं होती है, ठीक। ट्रैकीड और वेसल दोनों ही क्या होते हैं, मृत कोशिकाएं होती है, डेथ सेल्स होती हैं। अब इनकी संरचनाएं देखें तो एक एक करके देखते हैं, पहले देखते हैं ट्रैकीड, ट्रैकीड क्या होता है, तो ट्रैकीड्स जो है इसमें विभिन्न प्रकार के ट्रैकीड्स पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, इलॉन्गेटेड स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होते हैं। कुछ ट्रैकीड जो होते हैं इनमें स्पेसिफिकली स्पेसिफिक पीट्स पाए जाते हैं, पीट्स, या इसको हिंदी में कहते हैं गर्त, ठीक है। एंगुलर पीट्स, और ठीक है, ये हो गया, इस प्रकार की इसकी संरचनाएं होती है। तो ये पीट्स क्या होते हैं, इनके लेटरल वॉल में पाया जाता है, ठीक है। जो पीट्स होते हैं, पीट्स इस एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि दो संलग्न जो ट्रैकीड्स होते हैं उनके बीच संबंध बना देते हैं, ठीक है। जैसे ये एक सेल हो गया ए, और ये एक सेल हो गया, ये एक ट्रैकीड हो गया बी, ठीक है। तो इन दोनों में जो ये पीट्स होता है ये इन दोनों को इंटरकनेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक पतली झिल्ली द्वारा अलग रहते हैं, यही क्या कहलाता है, पीट मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक। ये जो है प्राइमरी वॉल के थ्रू बनता है, ठीक है। अगर हम लोग पीट्स की संरचना देखें, ठीक है, तो पीट्स की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ये कुछ इस प्रकार से होती है पीट्स की संरचना, जिसमें ये जो है पीट्स पेयर है, ठीक है, पीट्स पेयर, और ये जो है बीच का जो दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, प्राइमरी वॉल होता है, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं टोरस, ठीक है। अगर हम लोग इसको लेटरल देखें, ठीक है, लेटरल साइड से देखें इस संरचना को, अगर हम लोग घुमा दें तो क्या दिखाई देता है हमें, ये जो टोरस है इसकी संरचना कैसी होती है,
ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। दो वॉल के बीच में ये जो है टोरस जो संरचना है वो पाई जाती है, ठीक है। ये एक क्या करता है, वॉल की भांति काम करता है, जो कि एक बगल वाले जो सेल होते हैं उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्यूशन जो है उसको दूसरे जो अंदर वाले सेल है उसमें आने से रोकते हैं, एक वॉल की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार वेसल्स को देखें तो वेसल क्या होते हैं, वेसल की संरचना कैसी होती है, वेसल्स एलिमेंट जो होते हैं इसमें भी क्या होते हैं, इसी तरह की संरचना होती है, परंतु ये क्या होते हैं, चौड़े और क्या होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। इनके दोनों छोर पे क्या होता है, एक प्लेट पाया जाता है, ठीक है। इस प्लेट को कहते हैं परफोरेटेड प्लेट, क्योंकि इसमें पतली पतली क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक। पीट्स इनमें भी पाए जाते हैं, परंतु इन प्लेट्स को बोलते हैं हम लोग, ये होता है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग परफोरेटेड प्लेट, परफोरेटेड प्लेट, ठीक है। ये जो है ट्रकीट के जो सॉरी वेसल्स के छोर में पाए जाते हैं और दो वेसल्स को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। वेसल्स जो है 10 सेंटीमीटर से लेके कई मीटर्स तक, मैनी मीटर्स तक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो जुड़ने की क्षमता है, ठीक है, इसमें जो प्लेट्स है वो अधिक होती है, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से होते हैं। एक सबसे लंबे जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़ा होता है, और ये जो है 100 मीटर से भी अधिक लंबे हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक का जो सबसे बड़ा प्लांट है, सबसे ऊंचा प्लांट है, वो है सिकोया सिम्परवियंस, ठीक है। और एक होता है यूकेलिप्टस रेगनेंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो लॉन्गेस्ट ट्री के बारे में बता देते हैं, लॉन्गेस्ट ट्री पहला है सिकोया, सिकोया सिम्परवियंस, और ये जो है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। और एक है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस रेगनेंस, रेगनेंस जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। तो ये जो है दो प्लांट हैं जो विश्व के सबसे लंबे प्लांट हैं। इनमें जो है वाटर कंडक्शन कैसे होता होगा, है ना, इसी के बारे में हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो वाटर का कंडक्शन है इसकी मैकेनिज़्म क्या है। तो इसके लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने थ्योरीज दी हैं, तो सभी थ्योरीज को थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। सबसे पुराना जो थ्योरी है वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या कहा गया कि जो वाटर का कंडक्शन है ये एक अलौकिक शक्ति द्वारा होता है, ठीक है। इसमें जो पुराने वैज्ञानिक हैं उन्होंने दिया, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैविकवाद या जैविक मत, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी जो थ्योरी की अधिकतम सीमा जो है वो है प्लांट के 400 फीट होना, ठीक है। यानी इसके द्वारा ये बताया जा सकता है कि प्लांट में 400 फीट जो प्लांट है उसमें वाटर कंडक्शन कैसे होता है, लेकिन जो इससे बड़े प्लांट हैं उसमें ये क्या कहते हैं, ये थ्योरी लागू नहीं होता, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इसमें कुछ और थ्योरीज जो वैज्ञानिक दिए हैं, जैसे कि वेस्टमेयर्स थ्योरी इन 1983, ठीक है। सबसे पहले जो थ्योरी बताया गया वेस्टमेयर द्वारा, इसमें क्या बताया गया कि जो जाइलम है, ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा की जैविक क्रियाओं के कारण जो है वेसल्स और ट्रैकीट्स में एक दबाव उत्पन्न होता है और जल का एक्युमुलेशन होता है, ठीक है। वो एक्युमुलेशन क्या करता है, एक फोर्स पैदा करता है और पानी जो है ऊपर की ओर चढ़ता है, ये इन्होंने बताया, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ एसेंट ऑफ सैप, ठीक है, तो ये इनका मानना था। दूसरा थ्योरी था रिले पंप थ्योरी, जो कि गॉडेलवस्की द्वारा 1884 में दिया गया था। इसमें गॉडेलवस्की साहब ने क्या बताया कि इसमें
एक रिले पंप होता है, ठीक है, एक पंप होता है, जाइलम पेरेन्काइमा इज अ लाइव, ठीक है, इसमें जाइलम पेरेन्काइमा जो सेल्स होती है इसमें एक रिदमिक चेंज होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट जो है सॉरी वाटर जो है ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है, और इसकी पंपिंग एक्टिविटी के कारण ही प्लांट जो है, प्लांट में पानी ऊपर की ओर आता है और एसेंट ऑफ सैप या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की क्रिया होती है। इसको जो है स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1839 में गलत ठहरा दिया, ठीक है, किस नाम से गलत ठहरा दिया, इन्होंने कहा कि अगर प्लांट्स के जो सेल्स हैं उसको पिक्रिक एसिड द्वारा मार दिया जाए, ठीक है, तो भी क्या होते हैं, वाटर का कंडक्शन होते रहता है, यानी ये कहा नहीं जा सकता कि केवल जीवित कोशिकाएं ही क्या करती हैं, वाटर का कंडक्शन करती हैं, ये इन्होंने स्ट्रासबर्गर ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। इसके बाद आता है पल्सेशन थ्योरी। पल्सेशन थ्योरी में क्या कहते हैं, इसको प्रसिद्ध जो इंडियन बॉटनिस्ट है सर जे सी बोस द्वारा 1923 में दिया गया, ठीक है, इनकी जो मान्यता है वो काफ़ी देर तक रही। ये जो है एक फिजिशियन थे, ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि प्लांट्स जो है जीवित होती हैं, जैसे कि इंसान होते हैं या अदर जीव जो होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये इन्होंने सिद्ध कर दिया। उसमें क्या होता है, एक स्पंदन होता है, जैसे हमारे हृदय का स्पंदन होता है उसी प्रकार प्लांट्स में भी क्या होते हैं, स्पंदन होता है, ठीक है, ये इन्होंने बताया। ही प्रूव द प्लांट्स हैज़ लिविंग एंड हैज़ पल्सेसरी मोमेंट, ठीक है, ये जो है सर जे सी बोस हैं जो कि हमारे इंडिया के बहुत ग्रेट वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया, ठीक है। ये क्रेस्कोग्राफ यंत्र क्या करता है, जो पौधा है उसकी स्पंदन को मापता है, ठीक है। ये क्रेस्कोग्राफ यंत्र किस इस प्रकार से जमा हुआ रहता है, इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। इसमें होता है एक प्लांट होता है जो कि पॉट पे लगा होता है, ठीक है, और ये जो है इसमें एक प्लांट को की जो पत्ती है उसको एक निडिल की सहायता से उसमें जाइलम तक क्या किया जाता है, घुसाया जाता है निडिल को, और उसमें एक बैटरी डाल दिया जाता है जिसको गैल्वेनोमीटर और निडिल से जोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, एक स्पंदन जो कॉर्टेक्स में पैदा होता है, ठीक है, प्लांट के कॉर्टेक्स में जो स्पंदन होता है या जो पल्सेसरी मूवमेंट होता है वो क्या करता है, गैल्वेनोमीटर दिखाता है हमें। तो यही क्रेस्कोग्राफ का कार्य था, ठीक है, इसी से उन्होंने सिद्ध किया कि प्लांट्स में क्या होता है, जीवन होता है और इसमें भी धड़कने होती है, ये इन्होंने बताया कि इन्होंने सर जे सी बोस ने, ठीक। अब रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी मतलब रूट से जो प्रेशर निकलता है उसकी थ्योरी है। रूट द्वारा जो प्रेशर जनरेट होता है, ठीक, वो जो क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है, ये कहलाता है रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक। एंड समटाइम क्या होता है, इस थ्योरी में ये कहा गया कि व्हेन वी कट अ स्टेम, ठीक है, थ्रू देयर सॉइल, ठीक है, यानी उसके सॉइल के पास अगर स्टेम को काट दिया जाए, ठीक, प्लांट के स्टेम को, तो क्या होता है, वाटर समटाइम क्या होता है, एक वाटर जो है या सैप कहते हो, सैप जो है क्या होता है, एक्सक्यूड होने लग जाता है, ये कहलाती है ब्लीडिंग या एक्सक्यूजन, ठीक है, एक्सक्यूजन या ब्लीडिंग कहते हैं इसी को। तो अगर इसमें एक मैनोमीटर लगा दिया जाए, ठीक है, एक मैनोमीटर द्वारा इसके दाब को मापा जाए, तो ये क्या होता है, इसका जो दाब होता है वो 0.05 से 0.5 तक 5 मेगा पास्कल, ठीक है, इतना इसका प्रेशर होता है, तो जो कि कुछ दूरी तक वाटर के कंडक्शन के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर जो है ये किसके कारण होता है, रूट के कारण होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो प्रिस्ले नामक वैज्ञानिक हुए इसने इस थ्योरी को दिया है, ठीक है। इसमें क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो एक्सक्यूजन होता है इसका मुख्य कारण जो है, जो रूट है उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का उत्पन्न होना है, ठीक है, जड़ के द्वारा जो अवशोषित जल है उसके एक्यूमुलेशन के कारण एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनता है जो कि रूट प्रेशर कहलाता है, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक।
यही जो है रूट का प्रेशर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टीफन हेल्स 1727, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, इस जो रूट प्रेशर है इस शब्द का उपयोग किया, ठीक है, इस वर्ड का उपयोग इन्होंने किया। और इस सिद्धांत को जितने भी मानते हैं, ठीक है, उन्होंने इसी मूल दाब के प्रभाव के कारण बताया कि प्लांट्स में क्या होता है, वाटर का कंडक्शन होता है, ठीक है। और पर ये जो है ज़्यादा लंबे जो ट्रीज होते हैं उसके लिए क्या होता है, उपयोगी नहीं है ये थ्योरी, ठीक है। इसमें जो क्रिटिसिज्म है, इसकी आलोचनाएं जो होती है, उसमें कई सारी बातें रखी गई कि क्यों नहीं होता, ठीक है, यानी ज़्यादा लंबे ट्री के लिए ये उपयुक्त नहीं है, यानी सभी ट्रीज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं है, केवल हर्ब्स और श्रब के लिए, ठीक है, हर्ब और श्रब के लिए तो ये उपयोगी है, लेकिन लॉन्ग जो ट्रीज़ है उसके लिए नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या क्या बातें रखी गई इसकी आलोचनाओं में, तो पहला है कि एसेंट ऑफ सैप इज़ ऑब्जर्व इन विच रूट आर रिमूव्ड, ठीक है, यानी ऐसे प्लांट जिनमें रिमूव्ड रूट को रिमूव कर दिया जाए तो भी उसमें क्या होता है, वाटर का कंडक्शन होते रहता है, तो रूट प्रेशर रूट में जनरेट होगा, तो अगर रूट ही ना रहे तो भी वो प्रेशर जनरेट हो रहा है, यानी ये जो बातें हैं ये गलत हैं, ऐसा कहना है। नेक्स्ट, इट इज़ हार्डली 1 to 2 एटमोसफियर प्रेशर, वाइल अ प्रेशर अबाउट 20 एटमोसफियरिक प्रेशर नीड फॉर राइज वाटर टू द टॉप ऑफ ट्री, ठीक है, किसी भी प्लांट्स में टॉप में पहुंचने के लिए लगभग 20 एटमोसफियरिक प्रेशर चाहिए हमको, लेकिन रूट प्रेशर द्वारा सिर्फ 1 या 2 एटमोसफियरिक प्रेशर जनरेट हो पाता है, तो ये जो है कहना गलत है कि प्लांट्स में एसेंट ऑफ सेप किसके कारण होता है, रूट प्रेशर के कारण, ये है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म आया कि इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स रूट प्रेशर इज रेयरली एब्जॉर्ब, ठीक है, जो हायर प्लांट है उसमें ही, जो हायर प्लांट के छोटे प्लांट्स हैं, हर्ब श्रब हैं, उनमें ही रूट प्रेशर देखा गया कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में, लेकिन सब में ये नहीं देखा गया, ठीक है। नेक्स्ट आया कि रूट प्रेशर इज़ वेरी लो इन समर बट ट्रांसपीरेशन इज हाई, ठीक है, व्हेन वी ऑब्जर्व दैट व्हेन द ट्रांसपीरेशन वेरी हाई, ठीक है, ट्रांसपीरेशन इज वेरी हाई देन रूट प्रेशर इज वेरी लो, ठीक है, तो इससे ये सिद्ध नहीं किया जा सकता कि एसेंट ऑफ सेप किससे होता है, रूट प्रेशर से होता है, ठीक है, तो ये मेन कारण नहीं है ये कहा गया। इसके लिए रूट प्रेशर के लिए कई सारी जो प्रदर्शन, इसके जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसके लिए कई सारे प्रयोग किए गए, बताया गया, जैसे कि ये एक प्रयोग हमने लिया है, इसमें क्या किया है, वाटर एक पॉट में लगा हुआ प्लांट है, ठीक है, इसके थोड़े ऊपर, पॉट के थोड़े ऊपर से इसको काट दिया गया है, और इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है एक ट्यूब यूट्यूब कर दिया गया है, बांध दिया गया है, और लास्ट में क्या किया गया है, एक मैनोमीटर लगा दिया गया है, ठीक है। अब क्या होता है, वाटर जब इससे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, रूट से एब्जॉर्ब होता है, तो ये मैनोमीटर क्या होता है, ऊपर की ओर, इधर यहाँ तक है, तो ये जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है, इस ट्यूब में जो है वाटर क्या होता है, भर जाता है, जिससे इसमें दबाव पड़ता है, और ये जो है मैनोमीटर में जो पारा है, जो मरकरी है, वो ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो रूट है, रूट में जो प्रेशर जनरेट होता है वो क्या करता है, वाटर को ऊपर की ओर लाता है, ये बताया गया है इस प्रयोग में, ठीक है। अगला आता है फिजिकल फोर्स थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये सबसे मेन थ्योरी है, जो कि बहुत टाइम तक इसको अभी भी माना जाता है, ठीक है, फिजिकल फोर्स थ्योरी या भौतिकवाद, तो इसमें और भी कई थ्योरी दिए, इसके अंतर्गत और भी कई थ्योरी दिए गए हैं, तो इसमें पहला जो थ्योरी दिया गया वो है कैपिलरी फोर्स थ्योरी, ठीक है, कैपिलरी फोर्स थ्योरी को बोहेम नामक वैज्ञानिक ने 1809 में दिया, ठीक है, इसमें कहा गया कि जो कैपिलरी वेसल्स होती हैं, जाइलम वेसल्स होती हैं, ये एक कैपिलरी की भांति कार्य करती है, ठीक है, लेकिन कैपिलरी क्या होती है, बहुत पतली होती है, और जाइलम वेसल्स क्या होते हैं, जो छोटे पौधे हैं उनमें बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं, और बड़े पौधों के लिए क्या होते हैं, ये पतले होते हैं, तो ये जो थ्योरी है वो ज़्यादा देर तक मान्य नहीं रही कि ये क्या होता है, कैपिलरी फोर्स के द्वारा क्या होता है, वाटर का कंडक्शन या वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आया इम्बिबिशन थ्योरी, ठीक है, इम्बिबिशन थ्योरी को सॉक्स नामक वैज्ञानिक ने 1878 में दिया, ठीक है, इसमें कहा गया कि जो जाइलम ट्रैकीड्स है इसमें वाटर का क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है, या अंतः शोषण होता है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर का, वाटर जो है, जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स और ट्रैकीड्स होती हैं, उसके दीवारों के किनारे किनारे क्या होता है, वाटर जो है ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक,
तो ये जो है ट्रैकीड के लिए तो ठीक है, ठीक है, परंतु ट्रैकीड भी क्या होता है, एक सीमा के जाने के बाद बंद हो जाता है, तो इसमें दीवार के साथ चढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक है। तो ये जो है इसको भी ज़्यादा देर तक मान्यता नहीं मिली। अगला आता है ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन थ्योरी, ठीक है, ये जो है सबसे ज़्यादा मान्य रहता है इस इन दोनों थ्योरीज़ के बीच, ठीक है, इम्बिबिशन थ्योरी और ट्रांसपिरेशन पुल, इन दोनों थ्योरीज़ के बीच एक और थ्योरी आई थी, इसको कहते हैं जेमिन चेन्स थ्योरी, ठीक है, क्या आया था, जेमिन चेन्स थ्योरी, जेमिन चेन थ्योरी। इसमें क्या कहा गया था कि पौधों के अंदर वायु के बुलबुले जो होते हैं, ठीक है, वो एकांतरित रूप में व्यवस्थित होते हैं, और जब वायु का प्रसार होता है तो ये क्या होते हैं, वाटर जो है ऊपर की ओर गति करते हैं, और अपने साथ वायु के साथ ही वाटर भी ऊपर की ओर जाने लग जाते हैं, ठीक है, ये कहा गया था जेमिन चेन्स थ्योरी में। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, मेन हमारा फोकस होता है ट्रांसपिरेशन पूल एंड कोहेजन थ्योरी। तो इसको जो थ्योरी है इसको हम किसने दिया, डिक्सन और जॉली नामक वैज्ञानिक ने 1894 में दिया था, ठीक है। इसमें जो थ्योरी है उसमें क्या कहा गया कि वाटर जो है आपस में कोहेजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, यानी दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसको हम लोग वाटर वाले पोर्शन में जो क्लास है उसमें हम लोग देखे थे कि वाटर वाटर के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो क्या कहलाता है, कोहेजन बॉन्ड कहलाता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल और उसके बीच दूसरे वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल अगले वाटर मॉलिक्यूल को भी इसी कोहेजन बॉन्ड द्वारा बांधे रखता है, इस प्रकार से एक चेन बन जाता है, ठीक है, यही क्या कहलाता है, कोहेजन फोर्स कहलाता है, ठीक, इनके बीच जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, कोहेजन फोर्स, ठीक है। इसके बाद वाटर आल्सो हैव अधेशन फोर्स विथ सरफेस सेल्स, ठीक है, यानी वाटर का एक और गुण होता है, ये जो है जो वेसल्स और ट्रैकिड्स होती है इसके दीवार के साथ भी एक सहसंबंध बनाता है या कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है, सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स के साथ भी ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो जुड़ के क्या करती हैं, एक बॉन्ड बनाती है, ये बॉन्ड क्या कहलाती है, अधेशन बॉन्ड, ठीक है, या अधेशन फोर्स जनरेट होता है, जो कि क्या करता है, इसके दीवार से चिपकने में मदद करता है। तो ये अधेशन और कोहेशन दोनों ही जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके द्वारा एक कंटिन्यूअस चेन बनने लग जाता है, एक पुल बनने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर का कंडक्शन ऊपर की ओर होता है, ठीक है। इसको, इस जो थ्योरी है इसको कर्टिस एंड क्लार्क 1924, बोनर एंड ग्लेस्टोन 1952 और कार्मेर क्रेमर 1966, इन्होंने इस जो सिद्धांत है इसको मान्यता दी या सपोर्ट किया था, ठीक है। तो इसमें जो डिक्सन और जॉली का थ्योरी है इसको हम लोग थोड़े डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होता है। तो डिक्सन्स थ्योरी, तो अब डिक्सन एंड जॉली का जो थ्योरी है उसको ठीक से पढ़ लेते हैं, ठीक है, यानी डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यही जो है अब तक मान्य सिद्धांत है, ठीक है। तो इसमें जो फैक्टर्स होते हैं जो हमने देखे, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, पहला है कोहेजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी इस सिद्धांत के अनुसार क्या होते हैं, जल के अणुओं के मध्य क्या होता है, एक सशक्त खिंचाव होता है, यही क्या कहलाता है, कोहेजन कहलाता है, ठीक है। वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो बल होता है वो क्या कहलाता है, कोहेजन फोर्स कहलाता है, ठीक, जिसके प्रभाव से जल के अणु जो है सरलता से एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, ठीक है। इसी प्रकार जल के अणु और जल के ग्रहण करने वाले जो जो वॉल है, ठीक है, यानी जो हमारे वेसल्स हैं उनके मध्य भी एक क्या होता है, बल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अधेशन फोर्स, ठीक है। इस अधेशन के कारण क्या होता है, जाइलम की भित्ति से जो जल का कॉलम है वो टूटने नहीं पाता, क्योंकि पौधों में जड़ से लेकर पत्ती तक जाइलम का एक कंटिन्यूअस कॉलम होता है, इसलिए जल की जो ससंजन शक्ति है, ठीक है, कोहेजन और है कोहेजन और सरफेस टेंशन जो है वो बना रहता है, और इसके कारण क्या होता है, वाटर जो है ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन, इसी ट्रांसपिरेशन पुल के कारण क्या होता है, टेंशन फोर्स भी जनरेट होता है, यानी दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या होता है ट्रांसपिरेशन पुल, कि इसके जो डिक्सन एंड जॉली ने बताया कि
जो जड़ से लेके पत्ती तक जो जड़ है जल है वो इसका जो कंटिन्यूअस जो स्तंभ बना हुआ है, ठीक है, कॉलम बना हुआ है, इसमें क्या होता है जो मेसोफिल्स की सेल्स होती हैं, पत्तियों में जो मेसोफिल्स की सेल होती है उससे वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन या इवोपोरेशन होके क्या होता है स्टोमेटा द्वारा क्या होता है जल का बाहर निकल जाता है, ठीक है, जल बाहर निकलता है तो क्या होता है पत्तियों की कोशिकाओं में क्या होता है डीपीडी जो होता है वो बढ़ जाता है, और ये डीपीडी के मान बढ़ने से जो गार्ड सेल है उसके पास वाली जो मेसोफिल्स की सेल है इसमें भी क्या होता है जल के अवशोषण होता है, ठीक है, जल का अवशोषण होता है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है मेसोफिल्स की जो सेल्स हैं वो क्या कर लेती है पास के जो सेल्स हैं उनसे क्या करती है जल का अवशोषण करती है, ठीक है, यानी एक के बाद एक जिसमें भी कमी हो रही है जिस सेल में वाटर की कमी हो रही है वो दूसरे पास के सेल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, इस प्रकार पत्तियों में क्या होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण एक खिंचाव या एक पुलिंग फोर्स जनरेट होता है, ये पुलिंग फोर्स क्या करता है जल को ऊपर की ओर चढ़ाने में मदद करता है, ठीक है, यानी अगर यहाँ से पानी बाहर जा रहा है, ठीक है, तो ये जो पानी की पूर्ति है वो कहाँ पूरा करेगा यहाँ वाले से करेगा, यहाँ वाला कैसे पूरा करेगा अपना पानी का पूर्ति यहाँ वाले से करेगा, इस तरह से एक चेन जनरेट हो जाता है एक पुल जनरेट हो जाता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है या खिंचाव उत्पन्न करता है, यही क्या कहलाता है एक टेंशन फोर्स जनरेट होता है, यही क्या कहलाता है टेंशन फोर्स, ठीक है, तो इसी से क्या होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन सॉरी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, परंतु इसमें भी कुछ क्रिटिसिज्म या आलोचनाएं की गई जो कि कॉपलैंड 1902 द्वारा किया गया, कि इन्होंने बताया कि अगर वेसल्स ठीक है वेसल्स में कंटिन्यूअस कोहेजन एडेशन फोर्स के द्वारा पानी ऊपर चढ़ रहा है लेकिन क्या होता है अगर किसी वेसल्स में कोई बबल आ गया, ठीक है, तब क्या होगा तब क्या ये वाटर ऊपर चढ़ पाएगा, क्योंकि वाटर जो बबल है वो क्या होता है सीव जो सीव प्लेट हैं ये जो सीव प्लेट हैं इनसे क्या होता है पार नहीं कर पाएंगे, तो एक कैविटेशन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, कैविटी उत्पन्न हो जाता है, इस स्थिति में कैसे कोई वाटर मॉलिक्यूल जो है इससे पार कर पाएगा कैसे इस बबल को ख़त्म होगा, तो ये उनका मानना था, तो स्कॉटलैंडर 1957 ने इस सिद्धांत को जो क्रिटिसिज्म है इसको सॉल्व किया और बताया कि क्या बताया कि ये जो बुलबुले होते हैं ये निरंतर रूप से जल के स्तंभ में प्रभावित नहीं होते क्योंकि जाइलम के जो हॉरिजॉन्टल और क्या होते हैं जाइलम जो है हॉरिजॉन्टल यानी सीधा भी होता है, और अगर ये कोई वाटर बबल आ गया तो ये पास वाली कोशिकाओं से होते हुए जो पीट्स होते हैं उनसे होते हुए क्या होते हैं दूसरी कोशिकाओं से पार करके ऊपर की ओर चढ़ने लग जाते हैं, तो ये जो वाटर बबल है इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, इस प्रकार पौधे में वाटर कॉलम में सब स्टोमेटल कैविटी से लेके जड़ तक एक लोहे की रस्सी की भांति क्या होता है कॉलम बना होता है, और इसी रस्सी से को अगर ऊपर की ओर खींचा जाए तो क्या होता है ये पूरे नीचे से खिंचाया चला जाता है, ठीक है, इसी प्रकार पौधों में भी होता है यही कहलाता है ट्रांसपिरेशन पूल या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा डिक्सन जॉली का सिद्धांत, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो देखना ना भूलिए, इसके लिए वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें, थैंक यू।